वैसे तो जो खोसला थ्योरी की प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और इसमें आप एक छोटा सा मिस्टेक भी करोगे तो आप शायद आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन ये जो है वो सबसे सिंपल टाइप की कैटेगरी की प्रॉब्लम है खोसला थ्योरी की, तो इसलिए जो है वो अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से रखोगे या मीन्स फॉर्मूले ये सभी इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर आप शायद इसे अच्छे से टैकल कर पाओ। तो मैं इसमें जो है वो पूरा फार्मूला नहीं बता रहा हूँ खोसला थ्योरी का, आप उसे चाहे तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे आप ले सकते हो। इस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम में आपको कैसे खोसला थ्योरी का यूज़ करना है वो उसके लिए जो जो फार्मूला का रिक्वायरमेंट होगा वो सभी मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो देखो इसको अगर आप खोसला थ्योरी के प्रॉब्लम में एक हो सकता है कि आपको दिया गया हो फिगर, ओके फिगर दिया गया हो तो, और दूसरा हो सकता है कि फिगर नहीं दिया गया हो। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें फिगर नहीं दिया गया हुआ है तो आपको जो है वो फिगर खुद से बनाना है और खुद से जो है वो एज्यूम करना है अगर कोई चीज़ अगर रिक्वायर होती है तो। ओके, सो देखो इसमें लिखा गया हुआ है कि वेयर ऑन अ परमिएबल फाउंडेशन हैज़ अ लेवल फॉर फ्लो ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस एंड इज़ ऑफ 20 मीटर लॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि जो यहाँ पे बेस है वो हमारा 20 मीटर उसका लेंथ है और अपस्ट्रीम फ्लोर पे इसके जो है वो 4 मीटर डेप्थ पाइल है। यहाँ पे अपस्ट्रीम है, ओके मैं सपोज करता हूँ कि इधर अपस्ट्रीम होगा और इधर डाउनस्ट्रीम होगा। ओके, सो जो है वो हमारा अपस्ट्रीम पे 4 मीटर का पाइल है और डाउनस्ट्रीम पे 5 मीटर का पाइल है। ओके, अब इसके बाद जो है वो खोसला थ्योरी का यूज करके हमें अपलिफ्ट प्रेशर निकालना है की पॉइंट्स पे। तो की पॉइंट्स कौन कौन सा है, ये ओके, जो पॉइंट चार डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यही की पॉइंट्स हैं। ओके, अब उसके बाद आपको एग्जिट ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करना है और आप जो है वो इफेक्टिव हेड ऑफ वाटर में भी एज्यूम टू बी 4 मीटर, यानी आप 4 मीटर जो है वो एक यहाँ पे हेड एज्यूम कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे जो वाटर का लेवल होगा वो 4 मीटर का आप ये यूज़ एज्यूम कर सकते हो। तो ये जो मैंने फिगर आपको दिखाया है कुछ ऐसा ही फिगर आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी, ये आपका ऐसा फिगर है। ओके, अब इसमें जो है वो आपको एग्जिट ग्रेडियंट जो आपको है अपलिफ्ट प्रेशर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, चार की पॉइंट्स एक दो तीन चार, ओके बेसिकली चार कॉर्नर्स जो कि इनसाइड में रहेंगे उन्हीं पे हम लोग को निकाल रहे हैं। अब इसमें देखो कि बी का वैल्यू यानी कि जो बेस है वो 20 मीटर हमने ले लिया है और जो डी है यानी कि डी क्या है, लेंथ ऑफ द पाइल, डी हम लोग लेंथ ऑफ द पाइल लेंगे, अगर अप स्ट्रीम में लेंगे तो 4 मीटर हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में 5 मीटर, और एच जो कि हेड है वो है 4 मीटर हम लोग लेंगे। ओके, अब हम लोग पाइल अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में कुछ ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब इसमें जो है वो हम लोग सिर्फ अप स्ट्रीम वाले पाइल की बात करेंगे, डाउन स्ट्रीम वाले पाइल की बात नहीं करेंगे। सो जो क्यू ए का जो यहाँ फाई ए है यानी कि अपलिफ्ट प्रेशर का परसेंटेज वो इन दोनों एक्सप्रेशन से निकलेगा। ए आपको दिखाई दे रही होगी फिगर में कि ए कहाँ है, देख लो आप यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो यही जो है वो की लोकेशंस है। तो फाई ए का फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा, 100 - 100/π कॉस इनवर्स λ - 2/λ, और बी में बस इसमें छोटा सा माइनर चेंज है कि 2 के जगह पे जो है यहाँ पे 1 हो जा रहा है। तो यही जो है वो ए और बी में डिफरेंस है, यानी कि जो ऊपर वाला है उसमें -2 होता है और नीचे वाले में -1 होता है। ओके, अब देखो इसमें लैम्डा का वैल्यू 1 √1 α² / 2 है, इसमें अल्फ़ा का वैल्यू b/d है, तो हम लोग जो है वो 20/4 कर रहे हैं b/d, यानी कि ये हमारा 5 वैल्यू आ जा रहा है। फिर लैम्डा की अगर बात करें तो 1 √1 α² / 2, तो ये जो है वो 3.05 आ गया। अब फाई ए की बात करें तो फाई ए जो है वो आपको आ रहा है क्या, 100 - 100/π कॉस इनवर्स 3.05 - 2/3.05, तो ये आ रहा है 61.19%। अब वहीं अगर 5b की बात करें तो 5b जो है वो आपको सेम बस इक्वेशन में पुट करना है वैल्यूज़, तो ये आ रहा है 73.46%। ओके, सो ये हमारा परसेंट में ही जो है वो प्रेशर निकलता है अपलिफ्ट प्रेशर। तो ये हमारा अपस्ट्रीम पे जो पाइल है उसका यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब सिमिलरली हमें डाउन स्ट्रीम पे निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम पे जो है वो डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 5 मीटर का लेंथ है और यहाँ पे जो है वो फार्मूला भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ के फार्मूला का भी आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, यहाँ पे 100 माइनस नहीं होता है, सीधा 100 / π cos inverse λ/2 - λ/λ होता है।
ओके सो लैम्डा का फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, अल्फ़ा का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे बी बाई डी में आप देखोगे कि 20/4 के जगह पे 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डाउन स्ट्रीम में जो पाइल है उसका लेंथ 5 मीटर है। सो हमारा जो है वो अल्फ़ा का वैल्यू 4 हो गया, फिर लैम्डा में मैंने इस वैल्यू को पुट किया और हमारा लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 2.56 मीटर। सो 5C के एक्सप्रेशन में मैंने जो आपको पहले दिखाया उसमें आपको पुट करना है और ये आपको 42.98% निकल के आ रहा है, 29.14% निकल के आ रहा है। सिंपल, यहाँ तक आपको बस जो है वो फार्मूला याद रखना है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बी क्या होता है, डी क्या होता है, अल्फ़ा का एक्सप्रेशन क्या है, लैम्डा का एक्सप्रेशन क्या है, फाई सी क्या है, फाई क्या है, बस आपका काम ख़त्म। ओके सो उसके बाद जो है वो सिंपल सा आपको एग्जिट ग्रेडियंट निकालना है, तो एग्जिट ग्रेडियंट निकालने के लिए भी आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना होगा। ओके G=H/D (1/π)λ, जिसमें H जो है वो हेड है और हेड हमें दिया गया हुआ है कि वो 4 मीटर है प्रॉब्लम में। D हम लोग एग्जिट ग्रेडियंट की बात की जा रही है, तो जो डाउन स्ट्रीम में पाइल है वहीं से एग्जिट करेगा पानी, सो इसलिए जो है वो D का वैल्यू हम लोग 5 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, जो डाउन स्ट्रीम में पाइल रहेगा उसी का लेंथ। उसके बाद लैम्डा का वैल्यू जो है वो 1+√1+α² जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया, और अल्फ़ा की वैल्यू बी बाई डी, तो डी का वैल्यू हम लोग यहाँ फिर से 5 ले रहे हैं। ओके अब इसमें जो है वो परमिसिबल यहाँ पे जो है वो G=4/5√(1/π)√2.56, तो इसको जो है वो आपको 1:2 के टर्म में कैलकुलेट कन्वर्ट करना है। ओके इसको आप जी का वैल्यू डेसिमल में मत करना, 1:2 जैसे कुछ करना। ओके सो उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आप जो है वो इतने मैच्योर्ड हो कि आप इसको 1:2 कैसे कन्वर्ट करना है वो जानते होगे। ओके सो अगर नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये सभी कैलकुलेट कर लो और उसका आप इन्वर्स ले लेना, बस जो आ जाए 1/ में आप डाल देना। ओके सो अब देखो इसके बाद जो है वो जी की वैल्यू अगर आपको जो है वो 6 से ज़्यादा आ रही है, मीन्स डिनोमिनेटर में 1:2 करने में 6 से ज़्यादा आ रही है, तो आप लिख देना कि ये हमारा सेफ है पाइपिंग के अगेंस्ट। इस प्रॉब्लम में जो है वो कहीं भी एक्सप्रेशन नहीं दिया गया हुआ था कि कितना के बियॉन्ड सेफ बताना है और नहीं बताना है, लेकिन एज़ यूजुअल 1:6 से अगर आपका जैसे डिनोमिनेटर में अगर लेस देन 6 आए तो वो अनसेफ हो जाएगा, और अगर वो ग्रेटर देन 6 आए तो वो सेफ हो जाएगा। ओके तो ये दोनों चीज़ आप याद रखना। तो जैसे हमारा इस प्रॉब्लम में जो है वो 6.28 आया जो कि ग्रेटर देन 6 है, सो हमारा जो है वो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हेंस इट इज़ सेफ अगेंस्ट पाइपिंग। ओके सो आई होप कि आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी, और ये काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है खोसला थ्योरी का, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इससे बनाए जा सकते हैं अगर जैसे इस प्रॉब्लम में थिकनेस नहीं दिया गया हुआ था। तो अगर सपोज करो कि कुछ ऐसा पाइल रहता, ओके जैसे ये वाला अगर पाइल दे दिया जाता, ओके ऐसा कुछ रहता और यहाँ पे पाइल का इंटरमीडिएट, ओके सो ये टाइप का प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कुछ थिकनेस आ गया, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट पाइल आ गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ मीन्स टैपर्ड सेक्शन हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे अगर आप खोसला थ्योरी से बनाना चाहोगे तो उसमें आपको करेक्शंस करना पड़ेगा, थिकनेस का करेक्शन, फिर स्लोप का करेक्शन, फिर जो है वो इंटरमीडिएट जो पाई आ रही है उसका करेक्शन। लेकिन इस प्रॉब्लम में कुछ भी उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थिकनेस हमारा नहीं दिया गया हुआ है, इंटरमीडिएट पाइल भी नहीं है और स्लोपिंग भी नहीं है, सो इसलिए ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी कैटेगरी में, इजी टाइप के प्रॉब्लम में आ गया। सो फिर भी जो है वो आपको फॉर्मूलेज ये सभी तो याद रखने ही पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ओके सो आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप वीडियो को एक बार फिर से पीछे जाके जहाँ भी डाउट हुई है उसे देख लो, और फिर भी नहीं क्लियर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।